हेलो गाइस, आप सभी ने देखा ही होगा कि 4G बेहतर है या फिर 5G। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ Realme X7 और Vivo V20 SE को, तो एक चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी, जो Realme है ये 5G आपको दे रहा है, जबकि Vivo का फ़ोन आपको 4G दे रहा है। प्राइस में ज़्यादा मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है अगर आप देखोगे तो, बल्कि आपको Vivo 8GB 128GB वेरियंट सेम प्राइस में दे रहा है, जबकि Realme आपको 6GB 128GB का वेरियंट फ़ोन दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप अपने 19,999 रुपये खर्च कर रहे हो, तो क्या आपको 5G फ़ोन लेना चाहिए या फिर आपको Vivo का 4G फ़ोन ले लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के बीच में कंपैरिजन। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये भी स्कैम से बचे रहें। और इसी तरह से रोज़ कंपैरिजन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलिएगा। यहाँ पर शुरुआत करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन के मामले में दोनों ही फ़ोन्स में से आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगता है वो आप अपना देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बिल्ड मटेरियल की बात करूँ, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको प्लास्टिक का बैग देखने को मिलता है। थिकनेस के मामले में Vivo का फ़ोन बहुत ही पतला है, अगर आप कंपेयर करोगे Realme X7 से। मतलब ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ पतला फ़ोन है। यहाँ पर वेट भी आपको थोड़ा सा कम मिलता है, ज़्यादा नहीं, 5 ग्राम के करीब Vivo का, तो आप अपना देख सकते हो। दोनों फ़ोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, और 5G फ़ोन है Realme X7, Vivo का फ़ोन 4G फ़ोन है, तो आप अपना देख सकते हो। डिज़ाइन के मामले में मुझे, अगर मैं बात करूँ पर्सनली, तो मुझे Vivo का फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अच्छा लगा। मतलब उतना तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा लगा अगर मैं कंपेयर करता हूँ Realme X7 से। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ, तो डिस्प्ले के मामले में भी आपको सिमिलरिटी ही देखने को मिलती है। 6.43 के अप्रॉक्स आपको दोनों ही फ़ोन्स में जो डिस्प्ले की साइज़ है वो देखने को मिल जाती है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, साथ में आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलती है दोनों ही फ़ोन्स में। यहाँ पर एक चीज़ और भी मिलती है, दोनों ही फ़ोन्स में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। लेकिन अगर आप 19,000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो मैं तो आपको कंसिडर नहीं करूँगा, आप Redmi Note 10 Pro Max भी देख सकते हो, जिसमें सुपर AMOLED के साथ में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। बाकी अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, जो डिस्प्ले के और फीचर्स की बात करूँ, तो मैक्सिमम आपको ब्राइटनेस दोनों ही फ़ोन्स में 600 nits की देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले के मामले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों फ़ोन्स का जो डिस्प्ले है वो सेम आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है Realme X7 में, 2.5D कर्व्ड आपको इसमें प्रोटेक्शन ग्लास का मिल जाता है, जबकि Vivo में ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। यहाँ पर अगर मैं बैटरीज की बात करूँ दोनों ही फ़ोन्स की, तो बैटरी के मामले में भी ज़्यादा नहीं, 200 mAh की डिफरेंस है बैटरी के मामले में। बाकी चार्जिंग में भी डिफरेंस है, Realme में आपको 50W का चार्जर देखने को मिलता है, जबकि Vivo में आपको सिर्फ 33W का चार्जर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर चार्जिंग और चार्जिंग टाइम और बैटरी लाइफ के में डिफरेंस थोड़ा सा हो सकता है, बाकी दोनों फ़ोन्स में सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोनों ही फ़ोन्स में, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको डुअल माइक का सपोर्ट मिलता है। एक चीज़ आपको और भी देखनी चाहिए, जो Vivo का फ़ोन है इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, जबकि Realme में आपको ब्लूटूथ का 5.1 वर्जन देखने को मिलता है। बाकी दोनों ही फ़ोन्स में आपको UFS 2.1 की स्टोरेज मिल जाती है, तो मेमोरी रीडिंग और राइटिंग स्पीड में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ और भी देखनी चाहिए, अगर आप 19,000 से 20,000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ तो ज़रूर देखनी चाहिए, भाई कितने पैसे में ले रहे हो, तो थोड़ा अच्छा खासा ढंग का कैमरा तो होना ही चाहिए दोनों ही फ़ोन्स में से किसी एक फ़ोन में। अगर मैं कैमरा की बात करूँ, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर 64 MP आपको ऑफर करता है Realme, इसमें आपको सैमसंग का सेंसर भी मिलता है, बाकी 8 और 2 MP के इसमें आपको बाकी के सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर फ्रंट में बात करूँ, तो Realme में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि Sony IMX 471 का सेंसर भी लगा हुआ है। Vivo में आपको 48 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, इसमें आपको EIS का सपोर्ट भी मिलता है, 8 और 2 MP के बाकी के कैमरे इसमें देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको दोगुना मिलता है कैमरा, मतलब 32 मेगापिक्सल का आपको इसमें सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो सेल्फी के मामले में डिफरेंस है, और जो EIS आपको मिलता है वो आपको Vivo मिलता है, जबकि Realme में मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। तो आप कैमरा के मामले में आपको देख सकते हो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। बाकी अगर मैं कैमरा की सैंपल्स की बात करूँ, तो मुझे अगर मैं कंपेयर करूँ, तो जो Realme का कैमरा है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर जाता है कभी कभी
वीवो के फोन से। तो हो गई बात दोनों ही फोन्स की कैमरा की, बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की। एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा, जो कि हमेशा ही मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ, दोनों ही फोन्स में आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 11 आपको हो सकता है अपडेट में मिल जाए, मिलेगा ही क्योंकि नए फोन्स हैं तो अपडेट तो मिलेगा ही। बाकी फन टच ओएस आपको वीवो ऑफर करता है और रियल मी यूआई 1.0 आपको रियल मी X7 ऑफर करता है। बाकी अपडेट में टू वर्जन आपको मिल जाएगा, एंड्रॉयड 11 भी मिल जाएगा दोनों ही फोन्स में। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलता है वीवो V20 SE में, जबकि डिमेंसिटी 800U आपको चिपसेट मिलता है रियलमी X7 में। यहाँ पर अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको डिमेंसिटी 800U 665 से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो, भले ही आप गेमिंग देखते हो या फिर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हो, तो ये तो होगा दोनों ही फोन्स के बीच में कंपैरिजन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह से रोज़ कंपैरिजन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलिएगा।